17 मार्च आज बाबा सारी मुरली में एक ही बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, तुम्हें प्रीत बुद्धि बनना है, विपरीत बुद्धि नहीं। सारी दुनिया भगवान से विपरीत बुद्धि है। अब तुम बाप के पास आए हो तो तुम्हें उससे बहुत प्रीत रखनी है। इसलिए बाबा जो राजयोग सिखाते हैं, जिसे याद की यात्रा कहते हैं, इसे प्रीत की यात्रा भी कह सकते हैं। इस यात्रा पे तुम्हें चलते रहना है, कभी रुकना नहीं है। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के, प्रीत की यात्रा। भगवान से प्यार किया है तभी तो उसकी याद रहेगी। अगर उसे प्यार नहीं होगा तो याद भी नहीं रहेगी। उसके प्यार की निशानी है, बाबा कह रहे जो प्रीत बुद्धि हैं उनकी सेवाओं से भी बहुत प्रीत होगी। कोई कहे बाबा से मेरी बहुत प्रीत है लेकिन सेवा के लिए टाइम नहीं है, तो ये प्रीत नहीं है। बाबा सबका कल्याण करने आया है, उनको उमंग रहेगी हम भी सबका कल्याण करें, सबको रास्ता बताएं। बाबा आता है ब्रह्मा के तन में। बाबा कह रहे मैं ना आऊं तो तुम्हें ज्ञान कैसे दूं। तुम भक्ति में भटकते रहे, भगवान को ढूंढते रहे, परंतु किसी को मिला नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। अब मैंने आकर अपना परिचय तुम्हें दिया है। न मैं देहधारी हूँ, न ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ, सबका रचयिता हूँ। जो आंखों से दिखता है, बाबा ने बड़ा अच्छा राज बताया, जो कुछ तुम्हें आंखों से दिख रहा है वो सब रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो दिखते हैं, वे भी रचना है। एक निराकार मैं ही हूँ, रचयिता क्रिएटर। मैं भारत में आता हूँ, इसलिए भारत में मेरी शिव जयंती मनाई जाती है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते हैं, श्री कृष्ण की, राम की जयंती मनाते हैं। शंकर की जयंती भी नहीं मनाते, तो शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती और राम जयंती, क्योंकि आते हैं, कार्य करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारतवासियों को विश्व की बादशाही देते हैं। तो तुम्हें उनसे कितना प्यार होना चाहिए, तुम्हें ये मार्ग सबको बताना चाहिए। भले ही लोग बिगड़ते हैं, जब तुम कहोगे प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती, क्योंकि ये महाभारत काल का समय है, वही गीता का काल चल रहा है, भगवान आकर गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया गीता पर, इसलिए भगवान से विपरीत बुद्धि हो गई। अब श्री कृष्ण किसी का परम पिता नहीं हो सकता, कोई भी देहधारी। देखिए सुंदर रहस्य है, चाहे वो अपने को भगवान भी कह देते हैं लेकिन परम पिता नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता नहीं कह सकते। तो बाबा हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें बहुत प्रीत बुद्धि बनना है। सवेरे उठकर याद करो, श्याम को याद करो, सेवा में भी समय दो। उन दिनों सेवा की उमंग कम रहती थी, बाबा बहुत उमंग भरते थे कि तुम्हें बाबा से प्यार है, तो तुम्हें सेवाओं से भी बहुत प्यार होना चाहिए। तुम्हें सबको भी राह दिखानी है, इसलिए हर चित्र के ऊपर लिख दो त्रिमूर्ति निराकार, परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच। भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उसकी मत पर हम सबको चलते रहना है। तो हमें सोचना है हमारी कितनी प्रीत है बाबा से। प्रीत होगी तो याद जरूर करेंगे। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो चिट्ठी नहीं लिखते, उन दिनों चिट्ठी लिखी जाती थी बाबा को, तो बाबा कैसे समझें कि तुम्हारी बहुत प्रीत बुद्धि है मेरे से। एक और प्रैक्टिकल सी बात बाबा ने बताई है, किसी की भी दी हुई चीज तुम पहनोगे, यूज करोगे, उसकी याद जरूर आएगी। बाबा ने अपना उदाहरण दिया, माताएं कुछ कुछ लाती थी बाबा के लिए तो याद जरूर आती थी, तो फिर बाबा उसे यज्ञ में डाल देते थे। तो बाबा कहते तुम्हें भी सब कुछ यज्ञ से ही ग्रहण करना है, क्योंकि नहीं तो देहधारियों की याद आएगी और देहधारियों से तुम्हारी प्रीत होगी तो तुम ऊपर से नीचे गिर जाओगे, तुम्हारी स्थिति नीचे आती रहेगी, नाम रूप में आ जाओगे, विकारों के वश हो जाओगे, माया तुम्हें अपने अधीन कर लेगी। तो बाबा बहुत ही हमें सावधान करते हैं कि केवल एक मेरे से ही नाता जोड़ो।
बाबा को ही अपना सर्वस्व बनाओ, वही सुखों का दाता है। प्रीत देखो किससे होती है, एक तो बहुत ढूंढा था, बहुत बुलाया था, बहुत समय के बाद आया तो बहुत प्रीत हो जाती है। दूसरा, जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है उससे हमारी बहुत प्रीत हो जाती है। तो बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, बाबा से गति सदगति होती है, बाबा से हमें बहुत प्यार मिलता है, बाबा से इस समय हमें सत्य ज्ञान मिलता है। बाबा यही कह रहे, मैं तो तुम्हें ज्ञान रत्नों का भंडार देता हूँ, इस ज्ञान रत्नों से तुम्हें विश्व की राजाई मिलती है, एक एक रत्न बहुत ही अनमोल है, इसलिए तुम्हें मुझसे ही बहुत प्रीत रखनी है। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हारी बहुत प्रीत देहधारियों से, तुम्हारे मित्र संबंधियों से रहती है, उससे तुम तम प्रधान बुद्धि बन जाते हो। अब एक से प्रीत रखो तो गोल्डन एज बुद्धि अर्थात सतो प्रधान बुद्धि, बहुत पवित्र बुद्धि तुम्हारी हो जाएगी, इससे तुम बहुत सुख पाओगे। बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा सारा मदार एक ही बात पर है कि गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध करना। तुम सबको समझाओ सुखों को देने वाला कौन है, सबको वो निराकार परमात्मा शिव है या श्री कृष्ण है, वो डलवाओ। इलेक्शन का बड़ा महत्व है, बाबा भी आज इलेक्शन को याद कर रहे हैं। सब वोट डालें, श्री कृष्ण के नाम पे ठप्पा लगाएंगे या शिव के नाम पर। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि शिव तो वोटों के नाम होते हैं, इसलिए पूरा अक्षर लिखो। परम पिता ने गीता ज्ञान दिया, निराकार ज्ञान के सागर ने गीता ज्ञान दिया या श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, तो इससे तुम्हारी विजय होती जाएगी। बाबा कह रहे हैं शुरू में बाबा ने सबके भविष्य पदों का साक्षात्कार कराया था, उनमें से बहुत सारे तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम आगे बढ़ेंगे तुम्हें सबके पदों का ज्ञान होता जाएगा, कौन क्या बनेंगे, इसलिए तुम्हें बहुत सेवा करनी है और प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, इसी से जुड़ा हुआ वरदान है। एक बाप के प्रीत में रहने से तुम मेहनत से मुक्त बन जाओगे, माया जीत और प्रकृति जीत बन जाओगे। अगर बाबा से बहुत प्यार रहता है, शिव बाबा से, तो पुरुषार्थ की मेहनत समाप्त हो जाती है। अगर हम लवलीन रहने लगते हैं उसके प्यार में तो माया आ नहीं सकती, माया और प्रकृति पर हमारी विजय हो जाती है। स्लोगन हमें याद दिला रहा है, नॉलेज फुल बन कर रहो तो समस्याएं भी मनोरंजन प्रतीत होंगी, क्योंकि हमें पता होगा समस्या क्यों आई, पूर्व जन्म को के किसी संस्कार, किसी विकर्म के कारण आई, किसी विकार के कारण आई, किसी गलती के कारण आई, हम उसे ठीक कर लेंगे। तो आज हमें बाबा से प्रीत बुद्धि बनकर रहना, अर्थात बाबा से मुझे क्या क्या मिला वो याद करते हुए उसके प्यार में मगन रहने का अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.